नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले जैसा हम हर वीडियो में बताते हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और वायलेंस से बचिए। और लोगों को सजेशन दीजिए कि किस तरीके से आप पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हुए अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। चलते हैं सर के पास, श्री सेश कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं यूजर्स के। आपके पास सर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपका फोन नंबर मांग रहे हैं और आपको थैंक्स कह रहे हैं जो आप हेल्प करते रहते हैं। बहुत ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। हम हर यूजर्स के क्वेश्चन, ऐसे यूजर को जो पूछ रहे हैं जी, मेरा काम है, मैं उनको बराबर जी सुझाव देता रहता हूँ जी, आगे भी देता रहूँगा जी, है ना। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा ये जो मुझको जो भी जानकारी है उसका मैं दूसरों को लाभ दे सकूँ जी। जानकारी है, एक्सपीरियंस है, यही ह्यूमन सफलता की चीज है जी, है ना। आदमी आदमी के काम आवे, इससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में जी। तो अगर हम कुछ परेशानी किन्हीं लोगों की कम कर सकते हैं जी, तो हम उसके लिए जी। बहुत सारे ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, ये समझ जाइए 80% लोग तो आपको थैंक्स कह रहे हैं। हर दूसरा या तीसरा कमेंट्स आता है वो आपको थैंक्स ही कहते हैं, लोग आपसे मिलना भी चाहते हैं। और ऐसा है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं व्यूअर्स कि हम लोग हर क्वेश्चन तक हो सकता है ना पहुँच पाएं, तो प्लीज़ आपको क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करिए, हम आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर एक हफ्ते से के अंदर क्वेश्चन का जवाब हम ना दें तो लोग दोबारा रिवाइज कर दें तो ज़्यादा जल्दी होगी, हम उसको देख लेंगे जी, है ना। कुछ बातें तो ये तमाम व्यूअर्स लिख के भेजते हैं वो क्लियर नहीं होती है, जैसे कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी होती है कि जो पढ़ी नहीं मिलता कुछ, वो कभी कभी इतने परेशान होते हैं कि हड़बड़ाहट में क्वेश्चन लिख कमेंट लिख देते हैं। तो हड़बड़ाइए मत, पेशेंस रख के अपना क्वेश्चन भेजिए हमारे तक, ताकि हम लोग उसका डिटेल में डिस्कशन करें और उसके बाद आंसर दिए। जो आपके क्वेश्चन होते हैं कभी कभी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण वो समझ में नहीं आते हैं, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हम समझ रहे हैं आप परेशान हैं, पर परेशानी में हड़बड़ाहट में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो सही नहीं होगा। पेशेंस रखिए, दिमाग को शांत रखिए, फिर क्वेश्चन पूछिए और हम कोशिश करेंगे आंसर देने की। हो सकता है हम हर एंड यूजर तक ना पहुँच पाएं, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन को आप कॉपी पेस्ट करके नए वीडियो में टॉप पे आप दोबारा से अगर पेस्ट कर देंगे या दोबारा से वो क्वेश्चन भेज देंगे हमारे तक, तो हम उस क्वेश्चन को अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हर यूजर के क्वेश्चन को लेने की हम कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी को कोई क्वेश्चन लेते हैं कोई नहीं लेता, ऊपर से एक हायरार्की में चलते हैं टॉप टू बॉटम। तो सर आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये फाहिद हुसैन का आया है। ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ये पूछना क्या, इनका एक सजेशन आया हुआ है, ये कह रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा आप टिपिकल हिंदी मत यूज़ करिए, थोड़ी सी इंग्लिश वर्ड यूज़ किया करिए, समझ में नहीं आता है जिसके कारण। ठीक है, हम आगे से कोशिश करेंगे जी, जो जिसका हिंदी बोले हम उसका इंग्लिश भी बता दिया करेंगे जी, ऐसी कोई बात नहीं जी, है जी, है नहीं जी। अब वो जो हम जब सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, एक्ट के बारे में बोलते हैं, वो स्पॉन्टेनियस एक प्रोसेस होता है, उसमें जो एक्ट में लिखा होता है ना जी, वो अमूमन बहुत टफ हिंदी रहती है जी, है ना, तो वो आसानी से समझ में नहीं आती। हाँ, सर, एक जैसे कोड की भी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, फिर भी मैं उसको थोड़ा आसान करके दे बताना चाहता हूँ जी, और टेक्निकल वर्ड का भी प्रयोग करना चाहता हूँ कि जिससे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको गलत चीज जानकारी ना हो जाए जी, वो सही सही समझ सके, इसलिए मैं टेक्निकल वर्ड का भी प्रयोग करता हूँ जी, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कहीं कोई कसर है तो आप हमको सूचित करें जी, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। सर ये एक संजू पुजारी हैं, उनका क्वेश्चन आया हुआ है, यदि पुलिस हमसे झूठा स्टेटमेंट बनाकर हमारे हस्ताक्षर ले लेती है तो कोर्ट में वो मानने होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसा है, पुलिस के सामने कोई भी बयान कोई माने नहीं रखता, वो सादा कागज है। अच्छा, यानी कोर्ट में उसको एविडेंस में कतई नहीं लिया जाता। अच्छा, इसलिए आप जरा सा भी उसके लिए परेशान ना हो। एक तो जितना चार्जशीट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें ज्यादातर पे सिग्नेचर नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसे ही पूरा लिखते चले जाते हैं वो कहानी की तरह जी, समझे। अब वो कोर्ट में जो एविडेंस रहता है उसके साथ जैसे मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जो भी रहती है उसी के आधार पर लिख देते हैं जी। अगर अगर फेक केस में फंसाए जा रहे हैं तो उसमें परेशान होने कोर्ट में
ऐसे इविडेंस एक मिनट नहीं टिकते हैं, जितना फाल्स इविडेंस दिए जाते हैं जी, वो फाइल देखते ही मजिस्ट्रेट के समझ में, मजिस्ट्रेट और वकील के समझ में तुरंत वो केस छूट जाता है जी, है ना। इसलिए इस डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप पूरी तरह से इनोसेंट हैं तो आपको कोई फंसा नहीं सकता जी, है ना, बशर्ते आप अपने दिमाग होशो हवास में रहे। हाँ, एक प्लांट वे में चलिए, और डरने की कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, प्लांट वे में चलिए। 100% आपको इसी डेमोक्रेसी से, इसी जुडिशियल सिस्टम से आपको वो मिलेगा, न्याय मिलेगा। सर, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये विक्रांत जी ने पूछा है, कम एज में अगर जॉब करें तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, ये जानना चाह रहे हैं। विद गवर्नमेंट जॉब कम उम्र में तो लग नहीं सकते जी, प्राइवेट जॉब में गुंजाइश है वहाँ जहाँ कोई लिखा पढ़ी नहीं है जी, है नहीं जी, नहीं तो जो जॉब देते हैं उनके ऊपर भी मुकदमा कायम हो सकता है, बिना नाबालिग से कोई काम नहीं लिया जा सकता परिश्रम वाला जी, है नहीं जी, तो इसलिए परेशानी तो होती होगी जी, प्रोग्रेस की कोई ज्यादा चांसेस नहीं है, है ना, कोई जॉब नहीं देगा, वो खुद ही फंसने डर रहेगा। हाँ, ये है पार्ट टाइम कुछ करके आप एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे तो फायदा मिल सकता जी, है, लिखा पढ़ी वाला कुछ काम कर सकते हैं, है जी जी, तो उससे वो जॉब मिल सकता है, गवर्नमेंट जॉब तो नाबालिग को नहीं देते। हाँ, ये आगे चल के सर अगर एजुकेशन अपनी कंटिन्यू रखते सारे, कुछ पार्ट टाइम सारे जॉब में जितने वांट निकलते हैं सब में एज लिखी रहती है जी, इस एज से इसके अंदर होना चाहिए, है ना, तभी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप थोड़ा बहुत मदद करके, तमाम लोग पेपर बांट के, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नहीं कुछ कर पाते तो पेपर ही बांट देते हैं सवेरे, थोड़ा मदद कर दिया किसी को, है ना, पार्ट टाइम किसी दुकान हाँ, पे कर दिया जी, कोई एस्टीमेट बना दिया, ये सब कर दिया, तो ये ऐसे जॉब इनको मिल सकते हैं जी, है ना। फिलहाल गवर्नमेंट जॉब तो नाबालिग के लिए नहीं है जी, है ना जी। ये सर रेनू मोर्रो जी ने पूछा है, इन्होंने पूछा है सर LLB करने के लिए ग्रेजुएशन में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। देखिए, कोई परसेंटेज नहीं है कि जितना मेरिट जाएगी जी, किसी साल कम, जैसे ज्यादा कम नंबर आते हैं कभी कभी बोर्ड में जी, जो एग्जाम अथॉरिटी है जी, वो कभी सख्त जांच होती है तो कम नंबर आते हैं, कभी ज्यादा नंबर आ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि सर यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी ये नहीं है, जैसे करता है। आप कोई कंपटीशन ले लीजिए, IAS PCS, जो किसी साल ज्यादा जीनियस लड़के बैठ गए मेरिट एकदम हाई हो गई जी, और किसी साल गधों की टीम आ गई तो सारी डाउन हो गई जी, जी। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कोई बड़ा कंपटीशन कर लिया तो बड़ा विद्वान ही है जी, कभी कभी मेरिट डाउन हो जाती है, ऐसे ही जब कोई टीम आ गई जिसमें ज्यादा उस तरह के लोग हुए, ज्यादा जीनियस लड़के आ गए तो मेरिट बहुत अप हो गया, है नहीं, और जब मेरिट डाउन हो गई तो ऐसे लोग भी हो जाते हैं। तो ये जो LLB वाला इन्होंने कहा कि एडमिशन कैसे होगा, उसमें कोई मेरिट नहीं होती जी, सबका हो जाता है, किसी स्कूल में जहाँ कोई बच्चे नहीं है वहाँ जो ही मिल गया वही पढ़ाने लगे, वो उनको एडमिशन मिल गया, है जी, नहीं जी। तो ये कई कॉलेज अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं मिल जाएगी जगह, कहीं मेरिट देखते हैं, अरे यहाँ बहुत लड़के जाने वाले एडमिशन कराने वाले वहाँ मेरिट देखने लगते हैं जी, और नहीं जिसको इस कॉलेज अपना चलाना रहता है वो कम मेरिट वाले बच्चों को ले लेता है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी डिफर करता है, अलग अलग है जी, कई विद्यालय ऐसे हैं जो एलिजिबिलिटी हाँ डिफरेंस है, जो डिग्री देते हैं पास कराने के लिए स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ऐसे भी है तमाम जी। ये सर लक्ष्मी कुमारी सिंह का एक क्वेश्चन आया है सर, अगर इनका कहना है कि इनकी उम्र 18 से कुछ महीने कम है आधार कार्ड में, जो गलत है, ये 18 की हो चुकी हैं, तो क्या ये लव मैरिज कर सकती हैं और इनके ऊपर कोई केस तो नहीं किया जा सकता। केस तो जो लड़का इनसे शादी करेगा उसके ऊपर हो सकता है, जिसकी 18 साल से ज्यादा हो, हाँ। अगर लड़के की भी कम हुई तो सर, लड़के की कम हुई तो मैरिज हो ही नहीं सकती। अच्छा, है नहीं, बिना एज हुए वो मैरिज वैलिड मानी नहीं है ना। अगर लड़का बालिग है वो किसी नाबालिग लड़की से शादी कर लेता है तो अभी इसके गार्जियन गुमराह करके कोई मुकदमा दर्ज करा दें जी, तो वो फंस सकता है जी, इसलिए 2 महीने और इंतजार करें। हाँ, अपने इनके आधार कार्ड में गलत लिखा है, ये कह रही मैं 18 की हो गई हूँ। लाइफ को बहुत हिसाब से सेटल करें, है ना, जल्दबाजी बड़ी घातक हो सकती है जी, है ना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, सुखमय जीवन हो सके जी, वेट करें और पेशेंस रखें, और हो सके तो आप अपने पेरेंट्स से भी ये डिस्कशन करें, इसके बारे में बात करें, और तभी कोई डिसीजन लें, तो अपने पेरेंट्स में भी चर्चा करें अपने पेरेंट्स से जी।
डायरेक्टली ना कर सके तो इनडायरेक्टली कुछ ही तरीके बहुत सारे निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते, जो बच्चे कर लेते हैं ना तो उससे उनकी लाइफ नुकसान पड़ जाती है। जब लाइफ बनाने की समय है तब आप मौज मस्ती के चक्कर में जी, तो वो नुकसान दे है। जी एग्जैक्टली सर, एक मीनू जी का क्वेश्चन आया हुआ है, ये दिसंबर 2017 में इनसे किसी ने गवाही लेके चार प्रॉपर्टी, इनके परिवार के चार लोगों ने गवाही दी थी प्रॉपर्टी के लिए। जो आदमी ने इनसे गवाही ली थी वो अपने वाइफ की प्रॉपर्टी अपने नाम करा रहा था जो कि फर्जी थी, जिसमें ये लोग फंस चुके हैं। छह महीने बाद इनको हाँ पता चला कि ये फर्जी इन्होंने गवाही दे दी है और जिसमें इनके ऊपर केस हो गया है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बचें। इनके यहाँ पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा स्टे ले लो नहीं तो सब लोग अंदर हो जाएंगे। सही कह रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो नहीं रोकती, अगर कहीं ये सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट से जाके स्टे ला सकते हैं, अरेस्टेशन स्टे मिल जाता है जी, है ना, वो इजली मिल जाएगा जी, है ना। जानना चाह रहे सर खर्चा कितना, टाइम कितना लगेगा। खर्चा तो कोई अधिवक्ता की फीस अलग अलग है, नियत नहीं है जी, लेकिन ये है कि टाइप वाइप में 2-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं जी, जो अमूमन हर वकील को देना है, उसके ऊपर पारिश्रमिक जो रेम्यूनरेशन वकील बताएगा वो देना पड़ेगा जी। तो वो अलग अलग है, सबके अपने अपनी योग्यता अपने अपने केस के ऊपर लोग लेते हैं जी। तो कोई फीस मुकर्रर नहीं है कि इतना ही देना है जी, लेकिन आप जितना बार्गेनिंग कर सकें उस हिसाब से उतना प्रॉफिट है। अगर आप सावधान हैं, वहाँ एक दो वकील, दो चार वकील से बात करोगे जी, तुरंत फीस तो ले नहीं लेते, चर्चा करके देखो और तब उसके बाद अपना वकील नियुक्त करो जी। जैसे जाते हैं लोग गुरु करते हैं ना, तो अगर आपकी समस्याओं का हल लगता है कि गुरु कर सकता है तो आप उसको गुरु रखिए, अगर आपको लगता है कि ये सही जवाब नहीं दे रहा तो आप दूसरी जगह चले जाओ, 2-3 जगह बात करोगे तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अब आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कचहरी कम से कम पैसे में मुकदमा हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा भी पैसा लगता है, इसलिए आप सावधान रह के समस्या का हल निकाल सकते हैं जी। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। तो व्यूअर्स आपने देखा किस तरीके से सर ने एक्सप्लेन किए सारे क्वेश्चंस के आंसर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, और हम कोशिश कर रहे हैं हर एंड यूजर तक पहुंचने की, हर किसी के क्वेश्चन के आंसर देने की। हो सकता है हम आपके क्वेश्चन के आंसर ना दे पा रहे हो, तो उसके लिए परेशान मत होइए, आप नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन पूछिए, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन को डिटेल में लेने की और उसके बारे में डिटेल में बताने की। अगर किसी भी क्वेश्चन से आपके पास कोई क्रॉस क्वेश्चन है, मतलब जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं अभी तक, अगर उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछिए, हम लोग कोशिश करेंगे उनके आंसर देने की। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सेम प्रॉब्लम से अगर कोई परेशान है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी आए वो आपके पास पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन दबा देंगे तब आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।